एक सामान्य निरीक्षण था, रूटीन निरीक्षण था, जिसमें कार्यालय में एयरटू प्रशासन श्री संजीव कुमार सिंह को निर्देश दिया गया कि कार्यालय आने वाले सभी लाइसेंस बनवाने वालों के साथ या अन्य जो भी अपना काम लेके परिवहन कार्यालय आते हैं उनके साथ सहूलियत से उनके सभी काम समय से पूरे होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई शिकायत जनरेट नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई के बारे में निर्देश दिया गया और कार्यालय में कोई भी बाहरी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा, इसके संदर्भ में उनको निर्देश दिया गया। इसके बावजूद हम लोगों ने शहर के विभिन्न मार्गों पे अपनी प्रवर्तन टीमों के साथ कार्रवाई की, जिसमें प्रवर्तन अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि किसी भी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हमारे परिवहन आयुक्त महोदय का निर्देश है, प्रमुख सचिव साहब का निर्देश है, इसमें मुख्य सचिव साहब का भी निर्देश है कि किसी भी रूप में अनधिकृत वाहन संचालित नहीं होगा। जो भी वाहन संचालित होगा सभी प्रकार के वैध प्रपत्रों के साथ संचालित होगा। किसी भी यात्री वाहन में ओवरलोडिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तथा प्रवर्तन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि विद्यालयों में संचालित होने वाली सभी बसें, जितने भी हमारे स्कूली वाहन हैं, उनका शत प्रतिशत निरीक्षण करके वैध और फिट कंडीशन में ही उनका संचालन बच्चों के साथ हो, बच्चों के परिवहन के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका परिवहन वैध और फिट वाहनों में ही हो, इसके लिए उनको सख्त निर्देश दिए गए। जितने भी वाहन ऐसे हैं जो बिना प्रपत्र के या वैध प्रपत्र के संचालित हो रहे हैं, सबके खिलाफ विधिवत कार्रवाई।